कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने विधानसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। बाबरिया ने कहा कि पिछले सप्ताह हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन इस मामले में उन्हें कोई निर्णय नहीं बताया गया। बाबरिया ने कहा कि पिछले सप्ताह नतीजों के बाद मैंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। मैंने हाईकमान को कहा था कि आप मेरी जगह किसी और को ला सकते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और नतीजों के बाद ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने हाईकमान से कहा था कि अगर आप ठीक समझे तो मेरी जगह किसी और को ला सकते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद भी मैंने दिल्ली के प्रभारी पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसी तरह हरियाणा के लिए भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन इस्तीफा देने की पेशकश करना मेरी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस हाईकमान ने पिछले गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार पर समीक्षा बैठक की और एक तथ्य खोजी टीम बनाने का फैसला किया। बैठक के दौरान नेताओं ने हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजों के संभावित कारणों पर चर्चा की और ऐसे नतीजों के पीछे के कारणों का पता लगाने तथा पार्टी उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए ईवीएम में खराबी की शिकायतों की जांच करने के लिए एक टीम गठित करने का फैसला किया। समीक्षा बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, चुनाव के लिए एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और अजय माकन के साथ साथ राज्य के एआईसीसी सचिवों ने भाग लिया। हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी बाबरिया बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। इससे पहले हार के समीक्षा बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपक बाबरिया शामिल नहीं हुए थे। तीनों नेताओं को गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बाबरिया खराब स्वास्थ्य के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते हाईकमान के बुलावे पर नहीं पहुंचे। नेताओं की गैर मौजूदगी से चर्चाएं तेज होने लगी थी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व के साथ प्रदेश नेताओं की पहली अहम बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई गई थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ती के मूड में है। नतीजे आने के बाद पार्टी हाईकमान ने कहा कि जल्द एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत मौजूद थे। बाबरिया और सुनील कानूगोलू ऑनलाइन जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, नतीजे अप्रत्याशित हैं और हमें स्वीकार नहीं है। सारे सर्वे और बीजेपी के सर्वे इसके उलट थे, सब कांग्रेस को जिता रहे थे, तो ऐसे में हार की वजह की तह तक जाना होगा। सुनील कानूगोलू से हारी हुई सीट पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें अपने चुनाव लड़ने की रणनीति को और दुरुस्त करना पड़ेगा। आखिर कैसे बागियों ने दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा और हमारे 14 मौजूदा विधायक क्यों हारे, इस पर पड़ताल की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने चुनाव प्रचार अभियान को लेकर यह भी कहा कि उनकी काफी लेट एंट्री हुई और अंत के चरण में ही उनकी रैली का कार्यक्रम लगाया गया। हार के पोस्टमार्टम के लिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी वो प्रत्येक प्रत्याशी से 1-to-1 मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।